हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी स्टूडेंट्स आज की वीडियो में अपन रेनबो बुक से चैप्टर नंबर सेवन जिसका नेम है इंडिगो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं चैप्टर को अपन पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सेंड कर चुका था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर क्वेश्चन आंसर है वो हमें वीडियो के थ्रू समझाए तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेके आया हूँ और स्टूडेंट्स आपको बता दूँ ये चैप्टर अब की बार के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से सात नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है पहले जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से पूछे जाने की संभावना थी तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर को चैप सिलेबस से हटा दिया है और अब ये जो चैप्टर है इंडिगो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हालांकि सबसे ज़्यादा बड़ा भी है इंडिगो चैप्टर की वीडियोस अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उनका लिंक डाल रहा हूँ एक एक वीडियो को आप वॉच कीजिए और उसके बाद इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी आप लर्न कर लीजिए तो चलो देखिए सबसे पहले अपन छोटे क्वेश्चन आंसर करते हैं पहला क्वेश्चन है वो वॉज राजकुमार शुक्ला राजकुमार शुक्ला कौन था तो राजकुमार शुक्ला कौन था वॉज़ एन इलिटरेट एक अनपढ़ पुअर पेजेंट गरीब किसान था फ्रोम कहाँ से चंपारण से अब अगला प्रश्न है वेन डिड द राइटर फर्स्ट मीट गांधी जी एंड वेर कि राइटर है वो सबसे पहले गांधी जी से कहाँ मिला और कहाँ कब मिला और कहाँ मिला तो देखिए द राइटर जिसका नेम क्या है लुइस फिशर है फर्स्ट मेट गांधी जी सबसे पहले गांधी जी से मिला कब मिला इन 1942 फोर्टी टू उन्नीस सौ बयालीस को कहाँ मिला एट इज आश्रम उसके आश्रम में जो कि कहाँ है इन सेवाग्राम में और सेवाग्राम कहाँ है इन सेंट्रल इंडिया के अंदर अगला क्वेश्चन है वहन एंड वेयर डिड राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी कि कब और कहाँ राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी से मिला तो राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी से यानी कि मिला इन दिसंबर के अंदर कब उन्नीस सौ सोलह को एट एनुअल कन्वेंशन वार्षिक अधिवेशन एनुअल कन्वेंशन मतलब वार्षिक अधिवेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो वार्षिक अधिवेशन था दिसंबर 1916 को कहाँ लखनऊ में वहाँ राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी से मिला ठीक है स्टूडेंट अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी अच्छा प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ला है जो कि गरीब एजेंट था गरीब किसान था वो गांधी जी से क्यों मिला या वो उसके पास क्यों गया देखिए राजकुमार शुक्ला है वो अप्रोच्ड गांधी जी वो किसके यानी कि पास गए यानी कि गांधी जी के यानी कि पास गया टू कंप्लेंट शिकायत करने के लिए अबाउट किसके बारे में द इनजस्टिस अन्याय ऑफ द लैंड लोड सिस्टम की जो जमींदारी जो प्रथा थी इन बिहार के अंदर और उसमें जो अन्याय हो रहा था उसकी कंप्लेन करने के लिए गया एंड सम बडी हेड प्रोबली सेड और किसी ने संभवतः कहा कि स्पीक टू गांधी कि आप इसके बारे में किसको बताओ गांधी को बुलाओ इसलिए राजकुमार शुक्ला है वो किसके पास आया गांधी के पास आया अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वाई डिड गांधी जी नॉट एग्री कि गांधी जी है वो सहमत क्यों नहीं हुए टू प्रोसीड टू चंपारण चंपारण जाने के लिए विद राजकुमार शुक्ला के साथ इमिडिएटली तुरंत कि राजकुमार शुक्ला जैसे ही चंपारण ले जाने के लिए आता है तो तुरंत जाने को तैयार क्यों नहीं हुए गांधी जी तो देखिए गांधी जी डिड नॉट एग्री गांधी जी सहमत नहीं हुए टू प्रोसीड टू चंपारण चंपारण जाने के लिए बिकॉज क्योंकि ही हैड एन अपॉइंटमेंट गांधी जी की एक अपॉइंटमेंट थी कहाँ कानपुर में और एंड ही हैड आल्सो कमिटेड और उसने वचन दे रखा था टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के अन्य पार्ट्स में जाने का उसने वचन दे रखा था साथ ही उसकी यानी कि कानपुर में अपॉइंटमेंट भी थी इसलिए गांधी जी तुरंत राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण नहीं जा सके अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राजकुमार शुक्ला वो एज ए रेजुलेट पर्सन कि राजकुमार शुक्ला क्या थे ग्रेजुलेट रेजुलेट मानी दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था एक्सप्लेन कीजिए यह प्रश्न आ जाए कि हाउ डिड गांधी जी एग्री कि गांधी जी है वो एग्री कैसे हुए टू विजिट चंपारण चंपारण जाने के लिए तो देखिए राजकुमार शुक्ला जो कि वो ज ए डिटरमाइंड पर्सन था दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था रेजुलेट पर्सन था कैसे पता चलता है क्योंकि ही फॉलोड गांधी जी राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का फॉलो किया वेर ही वेंट गांधी जी जहाँ भी गया वहाँ गांधी जी का फॉलो किया ही एवन वह यहाँ तक फॉलो किया गांधी जी का इन हीज आश्रम उसके आश्रम में भी गया इन अहमदाबाद जो कि उसका आश्रम कहाँ था अहमदाबाद में ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड उसने गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी जहाँ जहाँ गांधी जी गया वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला भी यानी कि पीछे पीछे गया ही बेग्ड गांधी जी और उसने गांधी जी से बेग की याचना की टू फिक्स ए डेट कि आप एक डेट फिक्स कीजिए यानी चंपारण जाने के लिए तो गांधी जी क्या हुआ वॉज इम्प्रेस्ड इम्प्रेस हुआ प्रभावित हुआ बाय द शेर क्रोपर्स टेनिसिटी शेर क्रोपर की जो लगन थी एंड जो स्टोरी थी यानी बटाईदार की जो कहानी थी उससे प्रभावित हुआ और वह क्या हुआ एंड देट और सेड देट और उसने कहा कि कम आना एंड मीट मी मुझे मिलना इन कलकत्ता कलकत्ता में एंड टेक मी मुझे ले जाना फ्रॉम देर वहाँ से और सचे एंड सच ए डेट फलानी फलानी तारीख को मतलब क्या है राजकुमार शुक्ला को दर्श संकल्प इसलिए कहा गया है क्योंकि वह गांधी जी के आने के फॉलो करता रहा जहाँ जहाँ गांधी जी गया उसने उससे बैग की याचना की कि आप क्या करो चंपारण जाने के लिए डेट फिक्स कीजिए तो फाइनली गांधी जी सहमत कैसे हुआ कि गांधी जी वो जम्प्रेस सहमत इम्प्रेस हुआ उसकी क्रोपर की टेनिसिटी उसकी जो लगन थी और कहानी जो उसने बताई उससे प्रभावित हुआ और उसने क्या कहा कि फलानी फलानी तारीख को मैं कलकत्ता रहूँगा वहाँ आप आना और मेरे को वहाँ से ले जाना अब अगला देखिए वेयर वो चंपारण लोकेटेड चंपारण कहाँ स्थित था तो चंपारण वॉज लोकेटेड इन द फुट हिल्स चंपारण जो कि कहाँ स्थित है यानी कि जो फुट हिल्स मानी तलहटी ऑफ द टावरिंग हिमालय यानी जो हिमालय जो पर्वत है ऊंचा उसके यानी कि क्या फुट हिल तलहटी पे है नीयर द किंगडम ऑफ़ नेपाल नेपाल की राजधानी के पास तो चंपारण कहाँ है प्रजेंट में पूछा जा सकता है बच्चों प्रजेंट में पूछे तो चंपारण इज लोकेटेड चंपारण क्या है लोकेटेड है स्थित है कहाँ फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय कि जो ऊंचा जो हिमालय पर्वत है उसकी तलहटी में कौन बसा हुआ है चंपारण है और ये चंपारण कहाँ है नियर द किंगडम ऑफ नेपाल नेपाल की राजधानी के पास अगला क्वेश्चन है बच्चो वट डिड गांधी जी से गांधी जी ने क्या कहा अबाउट पेजेंट्स किसानों के बारे में इन इंडिया इंडिया के यानी कि इंडिया के जो किसान है उसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा तो गांधी जी सेठ गांधी जी ने कहा अबाउट पेजेंट्स किसानों के बारे में इन इंडिया इंडिया में देट की दे वर पुअर कि इंडियन जो किसान है वो बड़े यानी कि गरीब थे और एमिसिएटेड मतलब दुबले पतले थे तो ये प्रश्न है बच्चों अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाउ वॉज गांधी जी रिसीव्ड कि गांधी जी का कैसे स्वागत किया गया एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद कि राजेंद्र प्रसाद के घर पे गांधी जी का स्वागत कैसे किया गया या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि व्हाट क्या घटित हुआ वट एंड राजकुमार जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला वॉन्टेड चाहते थे टू मीट राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद से मिलना चाहते थे तो क्या घटित हुआ तो देखिए राजकुमार शुक्ला है वो लेड गांधी जी गांधी जी को ले गया टू हिज लॉयर अपने वकील राजेंद्र प्रसाद के घर पे इन पटना जो कि घर कहाँ पे था पटना में था और द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे लेट देम उन दोनों को लेट का मतलब यहाँ अनुमति देने से है लेट देम बहुत उन दोनों को अनुमति दी टू तो स्टे ऑन द ग्राउंड्स की आप ज़मीन पर ठहर जाइए एंड गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड और गांधी जी को परमिट नहीं दी गई अनुमति नहीं दी गई टू तो ड्रॉ वाटर की वो पानी निकाले फ्रॉम द वेल कुएं से तो कहने का मतलब गांधी जी का स्वागत कैसे हुआ कहने का मतलब क्या है जैसे ही वकील राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाया गया तो गांधी जी को यानी कि पानी निकालने की यानी कि अनुमति नहीं दी जाती है और उस गांधी जी को और उन दोनों को यानी कि राजकुमार शुक्ला को कहाँ ठहरने की अनुमति दी जाती है कि आप जमीन पर ठहर जाइए देखिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तब जाके समझ आएगा तो चैप्टर्स की वीडियो है मैं लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ अगला क्वेश्चन है वाई डिड गांधी जी डिसाइड गांधी जी ने क्यों निश्चय किया टू गो टू मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर जाने का क्यों निश्चय किया तो गांधी जी डिसाइडेड गांधी जी ने निश्चय किया टू गो टू मुजफ्फरपुर कहाँ जाने का मुजफ्फरपुर जाने का ओप क्योंकि टू ऑप वह प्राप्त करना चाहता था यानी कि इंफॉर्मेशन सूचना अबाउट द कंडीशन यानी जो कंडीशन है हालात है यानी कि किसकी अबाउट द कंडीशन ऑफ यानी कि चंपारण पी एजेंट यहाँ कंडीशन ऑफ चंपारण पी एजेंट कर दोगे यानी कि देन शुक्ला वॉज केपेबल यानी जो शुक्ला यानी कि केपेबल था ऑफ इम्पार्टिंग मानी देने में कहने का मतलब क्या है गांधी जी डिसाइडेड गांधी जी ने निश्चय किया टू गो टू मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर जाने के लिए टू क्यों क्योंकि टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन वह सूचना प्राप्त करना चाहता था अबाउट द कंडीशन ऑफ यहाँ पे इंडिगो शेयर क्रोपर कर देना ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है वे डिड गांधी जी स्टे एट मुजफ्फरपुर गांधी जी मुजफ्फरपुर कहाँ ठहरे तो गांधी जी स्टेट फोर टू डेज दो दिन ठहरे इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी प्रोफेसर मलकानी के घर पे ठहरे जो कि कौन थे ए टीचर थे इन ए गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है वाई डिड गांधी जी प्रेज यानी कि द होस्ट एट मुजफ्फरपुर कि गांधी जी ने क्यों प्रशंसा की द होस्ट जो मेज़बान था एट मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर में जहां गांधी जी ठहरे और उनका जो स्वागत किया गया जिस टीचर के द्वारा तो उसकी प्रशंसा क्यों की तो गांधी जी प्रेज हिज होस्ट गांधी जी ने अपने होस्ट की मेज़बान की प्रजे परेज की प्रशंसा की एट मुजफ्फ़रपुर में फोर हिज क्रेज उसके साहस के लिए बिकॉज इन दोज डेज क्योंकि उन दिनों इंडियंस वर अफ्रेड इंडियंस डरा करते थे टू तो सो सेम्पथी सहानुभूति सा, दिखाने से डरते थे फोर एडवोकेट्स मतलब समर्थक ऑफ होम रूल यानी जो साम्राज्य के जो समर्थक होते थे उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से इंडियन ड्रा करते थे बट ही गेव सेल्टर लेकिन उस टीचर ने सेल्टर दी टू गांधी जी को यानी गांधी जी को इन हीज होम अपने घर में तो इसलिए वह क्या करता है उसकी प्रशंसा करता है कहने का मतलब वो गवर्नमेंट टीचर होकर के गांधी जी को शरण दे दी क्योंकि उस टाइम इंडियंस क्या करते थे ड्रा करते थे सहानुभूति दिखाने से किसके प्रति जो स्वराज्य का समर्थक है उसके प्रति और गांधी जी सौराज्य का समर्थक था इसलिए लेकिन वह डरता नहीं है टीचर उसे डर नहीं लगा कि मेरी नौकरी जा सकती है इसलिए उसकी क्या की गई प्रशंसा की गई अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन क्या घटित हुआ ड्यूरिंग गांधी जी स्टे इन मुजफ्फरपुर कि मुजफ्फरपुर में यानी कि ठहरने के दौरान क्या घटित हुआ जब गांधी जी ठहरे तो क्या होता है द न्यूज़ ऑफ गांधी जी अराइव कि गांधी जी के आने की जो खबर थी वो स्प्रेड फैल गई थ्रू मुजफ्फरपुर यानी कि मुजफ्फरपुर होते हुए कहाँ तक चंपारण तक पहुँच गई यानी कि क्या घटित हुआ जब वो मुजफ्फरपुर रुके तो चंपारण तक न्यूज़ फैल गई कि गांधी जी है वो आए हैं तो पेजेंट्स क्या करने लगे केम देर वहाँ आए ऑन फुट पैदल चल के या बाई कन्वेंस अन्य साधनों से टू सी देर चैंपियन अपने नेता को देखने के लिए और एडवोकेट्स केम टू हिम वकील भी आए उनके पास एंड ब्रिफ्ट हिम अबाउट केस और संक्षिप्त में क्या किया उनके केसेस के बारे में मुकदमे के बारे में बताया तो ये बच्चों अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों एग्जाम में तो गांधी जी स्कोल्डेड गांधी जी ने फटकारा द लॉयर्स को ऑफ द यानी चंपारण चंपारण एरिया के लॉयर्स को फटकारा फॉर चार्जिंग हाई फीस क्योंकि वो हाई फीस चार्ज करते थे फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स किस से गरीब बटेदार से यानी वो गरीब बटाईदार से यानी कि ज़्यादा फीस लेते थे इसलिए यानी कि गांधी जी है वो वकीलों को यानी कि फटकारा अगला है वट कंक्लूजन डिड ही यानी गांधी जी कम टू यानी कि गांधी जी किस निष्कर्ष पे पहुंचा जब यानी कि उन्होंने देखा कि वकील लोग उनसे बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं उन गरीबों से तो गांधी जी किस निष्कर्ष पे पहुँचे तो गांधी जी कंक्लूडेड देट गांधी जी निष्कर्ष पे पहुंचे कि वी शुड स्टॉप हमें बंद करना होगा गोइंग टू लॉ कोर्ट्स मतलब न्यायालय में जाना बंद करना होगा हमें अब कानून यानी कि फैसले के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गांधी जी क्या मानते थे कि टेकिंग सच केसेज किस तरह के केस ले जाना कोर्ट में डज लिटिल गुड यानी कि नाम मात्र का अच्छा होता है कि वेयर द पेजेंट्स जहां पे किसानों को आरसोक्रस्ट कुचला जाता है एंड फियर स्ट्रीकन और उसे डराया जाता है और लो कोर्ट्स आर यूजलेस और वह ये मानते हैं कि कानूनी जो ये न्यायालय है ये क्या है उनके लिए अनुपयोगी है और वह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोलता है द रियल रिलीफ असली राहत इनको क्या मिल सकती है फोर देम इनके लिए इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर कि वो भय से मुक्त हो तो कहने का मतलब क्या है गांधी जी यही मानता है कि इनको असली राहत क्या है उसे अंग्रेजों का जो भय है उससे यानी कि उसे क्या किया जाए यानी कि मुक्त किया जाए तो यहाँ पे आप लिख दे हैं फ्री फ्रॉम फियर ऑफ ए इंग्लिश में ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है कि व्हाट वर द ओल्ड टर्म्स यानी कि पुराने टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी जो समझौता था बिटवीन ब्रिटिश लैंडलोड एंड पेजर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यानी कि जो ब्रिटिश जो जमींदार थे और जो किसान थे उनके बीच यानी जो पुराना यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी या जो संधि की हुई थी वो क्या था या व्हाट वाज़ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वह लंबे समय का क्या कॉन्ट्रैक्ट था समझौता था किसके बीच यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ब्रिटिश जमींदार और पेजेंट्स किसानों के बीच तो इसका क्या होगा बच्चों देखिए कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड ज्यादातर जोतने योग्य जो भूमि थी चंपारण की वोज डिवाइडेड वो बंटी हुई थी इनटू लार्ज स्टेट्स बड़े बड़े यानी कि जागीरों में संप्रदायों में ओवंड बाई और जो बड़ी बड़ी जो स्टेट्स थी उनके मालिक कौन थे इंग्लिश मैन थे और वर्कड बाई इंडियन टेनेट्स और उस पर काम कौन करते थे भारतीय किसान करते थे तो द लैंड लोड कंपेल्ट और जमींदारों ने बाध्य किया ओल्ड टेनेंट्स सारे काश्तकारों को कि टू प्लांट इंडिगो कि आप इंडिगो प्लांट करें पंद्रह परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग यानी अपनी जो भूमि है उसकी पंद्रह परसेंट जगह पे एंड सरेंडर और वह सरेंडर कर दे इन डायर इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट को पूरी की पूरी इंडिगो हार्वेस्ट को एज रेंट किराए पे तो कहने का मतलब क्या है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या था अंग्रेजों के बीच और किसके बीच किसानों के बीच तो उसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यही था कि चंपारण की ज़्यादातर जो एरेबल लैंड थी वो डिवाइडेड थी बंटी हुई थी बड़ी बड़ी स्टेट में जिसके मालिक कौन थे इंग्लिश मैन थे और काम करते कौन थे इंडियन काश्तकार करते थे और ज़मींदार ने उस इंडियन टेनेंट को बाध्य किया कि आप क्या करो अपनी भूमि के पंद्रह परसेंट जगह पे यानी कि क्या करो इंडिगो लगाओ और इंडिगो लगा करके आप सारी की सारी फसल यानी किसको दे दो अंग्रेज जिम्मेदार जमींदारों को आप किराए के टैक्स के रूप में आप दे दीजिए यह एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट था ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कंपेल पुअर पेजेंट्स कि ब्रिटिश जमींदार ने कैसे यानी गरीब किसानों को बाध्य किया तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने बाध्य किया गरीब किसानों को कि वो क्या करे प्लांट इंडिगो इंडिगो प्लांट करे पंद्रह परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग की अपनी जो भूमि है उसके पंद्रह परसेंट जगह पे एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो और सारी इंडिगो की फसल है वो क्या करें सौंप दे एज रेंट यानी रेंट के रूप में टू किसको यानी कि इंग्लिश प्लांटर्स को ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है कि वाई वर द ब्रिटिश लैंड लोड्स नो लॉन्गर इंटरेस्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों कि वाई वर द ब्रिटिश लैंड लोर्ड नो लॉन्गर इंटरेस्टेड कि ब्रिटिश जमींदार थे वो ज्यादा समय तक इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहे इन हार्वेस्टिंग इंडिगो यानी कि हार्वेस्टिंग इंडिगो में यानी इंडिगो की जो फसल थी उसमें यानी कि बहुत ज़्यादा रुचि क्यों नहीं रखे तो देखिए ब्रिटिश लैंडलोड लेंट देट ब्रिटिश जो जमींदार थे उसने जाना कि जर्मनी है डवेल्प कि जर्मनी ने क्या डेवलप कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो मतलब क्या है कृत्रिम नील है वो डेवलप कर लिया देर फॉर इसके कारण द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो यानी जो प्राकृतिक जो यानी नील थी उसका जो मूल्य था हेड टू फॉल वह गिर गया एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल इंडिगो और जो नेचुरल इंडिगो की जो फसल थी no वो ऑज़ नो प्रॉफिटेबल वह अब लाभदायी नहीं रही इसलिए दे वांटेड मनी वो क्या चाहते थे पैसा चाहते थे एज रेंट यानी कि रेंट के रूप में स्टीड ऑफ इंडिगो इंडिगो के बजाय मतलब क्या है कि ब्रिटिश जमींदार यानी कि अब इंडिगो इंडिगो की जो फसल थी उसमें रुचि क्यों नहीं रखते थे मेन कारण यही था कि अब जर्मनी है वो क्या डेवलप कर लिया सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया जिसके कारण नेचुरल इंडिगो के भाव गिर गए और अब नेचुरल इंडिगो के भाव गिर गए तो उनकी जो नेचुरल इंडिगो है मार्केट में बिकी नहीं इसलिए वो क्या चाहते हैं कि आप हमें क्या दे दीजिए पैसे दे दीजिए हमें नील नहीं चाहिए अगला क्वेश्चन है वाई डिट गांधी जी मीट द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन कि गांधी जी है वो क्यों मिला सेक्रेटरी सचिव से ऑफ़ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन कि ब्रिटिश जमींदार जो संगठन था उसके सचिव से क्यों मिला गांधी जी और व्हाट डिड द सेक्रेटरी से और सेक्रेटरी ने गांधी जी से क्या कहा तो क्या लिखोगे कि गांधी जी मेट गांधी जी मिला किससे सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन किससे कि जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उससे मिला गांधी जी बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड वो चाहता था टू नो द फैक्ट्स वह उन फैक्ट के बारे में जानना चाहता था अबाउट द डिस्प्यूट जो बहस चल रही थी बिट्वीन किस के बीच जो बटेईदार और लैंडलोड के बीच जो डिस्प्यूट थी उसके बारे में जानना चाहता था इसलिए वो उससे मिला लेकिन सेक्रेटरी ने उससे क्या कहा द सेक्रेटरी डेंट या रिफ्यूज गांधी जी ने मना सेक्रेटरी ने मना कर दिया टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन कोई भी सूचना देने के लिए टू गांधी जी को सेठिए कहते हुए कि ही वॉज एन आउटसाइडर कि वो क्या था एक आउटसाइडर था मतलब वो बारी व्यक्ति था वो हम बारी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देंगे अगला क्वेश्चन है कि वट वॉज द आउटकम क्या परिणाम निकला गांधी जी की मीटिंग का विद कमिश्नर ऑफ तिरुहत डिवीजन यानी तिरुवट डिवीजन के कमिश्नर से जब गांधी जी ने मीटिंग की तो उसका क्या परिणाम निकला डिड गांधी जी हिम क्या गांधी जी ने उसकी आज्ञा मानी तो गांधी जी वॉन्टेड गांधी जी चाहते थे टू टॉक बात करना टू द कमिश्नर यानी कमिश्नर से कि अबाउट द प्रॉब्लम यानी किसके बारे में जो प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स बटईदारी की जो समस्या थी उनकी बात उनके बारे में बात करना चाहते थे बट द बट ही वॉज रूड लेकिन जो कमिश्नर थे वो रूड था निर्दयी था एंड एडवाइस्ड गांधी जी गांधी जी को सलाह दी टू लिव तिरुहत यानी तिरुहत छोड़ने की इमिडिएटली तुरंत और गांधी जी ने ओबे मानी या नहीं मानी तो गांधी जी डिड नॉट ओबे हिम गांधी जी ने उसकी ओबे नहीं मानी तो कहने का मतलब क्या परिणाम यही निकला कि वे गांधी जी को एनी वे चाहते थे कि तिरुवज छोड़ के चले जाए लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी वो उनसे क्यों मिलना चाहते थे क्योंकि वह जो किसान थे शेयर क्रॉपर्स थे इंडिगो के उनकी समस्या के बारे में बात करना चाहते थे लेकिन कमिश्नर उनसे बात नहीं की अगला प्रश्न है कि वाई वोज गांधी जी सम्म गांधी जी को क्यों बुलावा मिला टू appear इन कोर्ट कोर्ट में प्रवेश करने का कोर्ट में जाने के लिए प्रकट होने के लिए गांधी जी को बुलावा क्यों मिला तो देखिए गांधी जी वॉज प्रोसीडिंग टू ए विलेज तो गांधी जी क्या है गांधी जी वॉज प्रोसीडिंग टू ए विलेज यानी कि गांधी जी एक गांव की तरफ जा रहे थे टू इन्वेस्टिगेट यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए द इंसिडेंट ऑफ मेला ट्रीटमेंट यानी कि एक जो इंसिडेंट हुई मेला ट्रीटमेंट मानी दुर्व्यवहार की विद ए पेजेंट एक किसान के साथ बट द पुलिसम लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया एंड सर्वेड ही में नोटिस और गांधी जी को पुलिस ने एक नोटिस थमा दिया टू लिव चंपारण कि आप ही चंपारण छोड़ दीजिए गांधी जी रिफ्यूज गांधी जी ने मना कर दिया टू ओबे द ऑर्डर ऑर्डर को यानी मानने का सो so इसलिए ही वो सम्मेल बुलावा मिला टू अपीरियन कोर्ट यानी कि वह कोर्ट में अपियर हो तो कहने का मतलब गांधी जी को यानी कि कोर्ट में अपियर होने के लिए क्यों बुलावा मिला क्योंकि गांधी जी अब एक गांव की तरफ जा रहे थे क्योंकि उसे पता चला कि पास ही गांव में एक किसान के साथ मेला ट्रीटमेंट दुर्व्यवहार किया गया है अंग्रेज के द्वारा तो वह जा रहे थे तो एक पुलिस ने उसे रोका पुलिस की गाड़ी ने और उनको यानी कि चंपारण छोड़ने के लिए एक नोटिस दिया लेकिन उसने उसका डिसोबे कर दिया कि मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊँगा जब उसने उस पुलिस वाले की यानी बात नहीं मानी तो उसे कोर्ट में आने का न्योता मिल गया अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पेजेंट गैदर कि किसान है वो क्यों एकत्रित हुए अराउंड द कोर्ट कोर्ट के चारों तरफ तो कहने का मतलब गांधी जी को सम्मन मिला कोर्ट में आने के लिए तो अब किसान है वो क्यों एकत्रित हुए तो द पेजेंट गैदरड किसान है वो एकत्रित हुए अराउंड द कोर्ट कोर्ट के चारों तरफ बिकॉज़ क्योंकि दे लर्नड देट क्योंकि उन्होंने जाना कि महात्मा एक महात्मा है वो वॉन्टेड टू हेल्प देम जो उनकी मदद करना चाहते थे वॉज इन ट्रबल वो किस में था समस्या में था विद अथॉरिटीज मतलब अधिकारियों के मतलब क्या है ये भीड़ है वो एकत्रित हो गई कोर्ट कोर्ट के चारों तरफ क्योंकि भीड़ यानी कि भीड़ ने जाना कि यानी कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहते थे आज वही समस्या में यानी कि फंसा हुआ है इसलिए वो उनकी हेल्प के लिए यानी कि आया अब अगला देखिए कि वट डिड्स द स्पॉन्टेनियस डेमोनेस्ट्रेशन की व्हाट डिड स्पॉन्टेनियस मानी सहज डेमोनेस्ट्रेशन मानी प्रदर्शन ऑफ द पेजेंट सिग्निफाई यानी जो किसानों ने यानी कि जो सहज प्रदर्शन किया कोर्ट के चारों तरफ जब गांधी जी कोर्ट में गए कोर्ट को यानी कि हजारों किसानों ने घेर लिया तो वह क्या सिग्निफाई करता है क्या महत्व रखता है तो ये जो स्पॉन्टेनियस डेमोनिस्ट्रेशन था पेजेंट्स का सहज प्रदर्शन था किसानों का शोड देट वो ये शो करता है कि पीपल वर नो लॉन्गर अफेड कि लोग अब नहीं डरे हुए थे टू द ब्रिटिश यानी ब्रिटिश से एंड इट वॉज द बिगनिंग और ये क्या थी शुरुआत थी ऑफ देयर लिबरेशन उनकी आज़ादी की फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिस यानी ब्रिटिस के वजह से मतलब फर्स्ट टाइम क्या है उन भारतीय किसानों ने क्या किया उसमें हो जोश आया कि वो किसका सामना करे यानी उन ब्रिटिश का सामना करे और उसने कोर्ट को यानी कि घेर लिया कि कहीं गांधी जी को वह अरेस्ट न कर ले तो अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड गांधी जी एक्सप्लेन कि गांधी जी ने कैसे एक्सप्लेन किया इन कोर्ट के अंदर कोर्ट में हिज रिफ्यूजल टू लिव चंपारण कि मैं यानी कि चंपारण को छोड़ के नहीं जा सकता इसको यानी कि किस तरह से गांधी जी ने एक्सप्लेन किया या वाई डिड गांधी जी टेल द कोर्ट गांधी जी ने कोर्ट को क्यों कहा कि ही वॉज इन्वॉल्व्ड कि वह शामिल था इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज कि मैं ड्यूटी के कॉन्फ्लिक्ट में था मतलब मैं धर्म संकट में द्वन में फंसा हुआ था ऐसा उसने क्यों कहा तो देखिए गांधी जी सेड देट गांधी ने कहा कि ही रिस्पेक्टेड कि उसने रिस्पेक्ट करता था लॉफुल अथॉरिटीज़ कि आपके जो कानून है अधिकारी उनका यानी वह क्या करता था यानी कि रिस्पेक्ट किया बट ही वॉज इन्वॉल्व लेकिन मैं इन्वॉल्व था शामिल था इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मतलब धर्म संकट में ऑन वन हैंड वन हैंड करना है बच्चों कि एक तरफ तो क्या है ही मस्ट नोट सेट बेड एग्जाम्पल वह क्या नहीं साबित सेट करना चाहता था बेड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था बाय ब्रेकिंग द लॉ कानून तोड़ करके वाइल ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ ही वांटेड वह चाहते थे टू रेंडर प्रदान करना द ह्यूमिनिट्री मानवता दर्शन प्रदान करना चाहते थे एंड नेशनल सर्विस राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे फॉर विच और जिसके लिए ही हैड कम टू चंपारण जिसके लिए वह चंपारण आए थे तो कहने का मतलब क्या है गांधी जी ने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि मैंने आपका ऑर्डर है वो रिफ्यूज़ कर दिया कहने का मतलब गांधी जी को यानी ऑर्डर इसलिए मिला कोर्ट में जाने का कोर्ट में सम्मन कोर्ट से सम्मन इसलिए मिला क्योंकि गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के लिए मना कर दिया तो गांधी जी अब अपने आप को किस तरह से यानी कि अपना यानी कि पक्ष रखते हैं कोर्ट में गांधी जी बताता है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मैं मेरे धर्म संकट में मैं मेरी ड्यूटी का जो द्वंद्व है उसमें फंस चुका है वह ड्यूटी का द्वंद्व यह है कि मैं एक तरफ तो क्या है कि आपका कानून तोड़ के यानी कि बेड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता कानून तोड़ दिया मैंने कि आपने मेरे को कहा यहाँ से चले जाओ और मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मैं वह क्या कहता है कि मैं एक तरफ तो आपका कानून तोड़ना नहीं चाहता जबकि दूसरी तरफ क्या है वह क्या चाहता है कि मैं ह्यूमेनिट्रियन प्रदान करना चाहता हूँ मानवता प्रदान करना चाहता हूँ देश की सेवा करना चाहता हूँ उसी के लिए आया हूँ। कहने का मतलब मेरा धर्म संकट यह है कि अगर मैं देश की सेवा करूँ तो क्या क्या है मुझे आपका कानून तोड़ना पड़ेगा अगर मैं आपके कानून को बचाऊं तो मेरा यानी जो मेन मकसद है देश की सेवा करना मानवता दर्शाना तो कहने का मतलब क्या है मैं धर्म संकट में फंस चुका हूं ऐसा यानी कि वह बोलता है और वह लास्ट में किसको चुनता है वह अपनी आत्मा की आवाज़ यानी कि सुनता है और आत्मा क्या कहती है कि आप देश की सेवा कीजिए इसके लिए चाहिए आपको कानून तोड़ना पड़े तो इस तरह से यानी कि वह अच्छा पर्सन है बच्चों याद कर लेना तो क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ अगला है वाई डिड द लॉय्स बिकम विलिंग टू कोर्ट यानी वकील है वो यानी कि विलिंग क्यों हुए इच्छा क्यों जाहिर की कोर्ट अरेस्ट करने के लिए गांधी जी वेंट टू जेल कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो कहने का मतलब क्या है कि वकील है वो क्यों इच्छुक हुए कोर्ट अरेस्ट करने के लिए अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो गांधी जी ने एक बार उससे पूछा था कि अगर मेरे को जेल हो जाएगी तो आप क्या करोगे तो एक बार तो उसने मना कर दिया था कि हम आपको सलाह देने के लिए आए हैं लेकिन बाद में वह कुछ विचार विमर्श करते हैं और बाद में वो भी क्या है वकील है वो यानी कि कोर्ट रेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह क्यों तो देखिए द लॉयर्स सा दैठ वकीलों ने देखा कि गांधी जी वॉज टोटली स्ट्रेंजर वकीलों ने देखा कि गांधी जी एकदम से यानी कि अजनबी था यट फिर भी ही वॉज रेडी गांधी जी तैयार थे टू गो टू जेल जेल जाने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ पेजेंट किसके यानी किसानों के कल्याण के लिए तो लॉयर्स वर देयर नेबर्स और वकील उनके किसानों के पड़ोसी थे और उन्होंने क्लेम किया उसने दावा किया टू सर्व देम और वह क्लेम कर रहे थे कि हम यानी इन किसानों की सेवा करते हैं तो वे क्या कहते हैं इट वुड बी सेम फुल ये बड़ी सेम फुल होगी शर्मिंदगी की बात होगी उनके लिए इफ़ दे वेंट होम अगर वे घर चले गए इंस्टीड ऑफ गोइंग टू जेल किसके बजाय जेल जाने के बजाय तो कहने का मतलब उन्होंने देखा कि हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम इसके पड़ोसी है हम ये भी दावा करते हैं वकील लोग कि हम इन किसानों की सेवा करते हैं और वह क्या कहता है कि अगर हम आज इन किसानों को छोड़ के चले गए तो यह बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी और इसलिए वह क्या कहता है यानी कि अगर गांधी जी भी जेल जाएंगे तो हम भी क्या है गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे अगला क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन कि चंपारण का जो युद्ध था वो जीत लिया गया वेन डिड गांधी जी एक्सप्लेन दिस कि गांधी जी ने ये एक्सप्लेन कर देना बच्चों तो गांधी जी ने ये कब एक्सप्लेन किया तो क्या है तो वैन सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर्स जब यानी बहुत सारे प्रसिद्धि प्राप्त वकील ने गांधी जी से कहा कि दे वर रेडी कि वे तैयार थे टू फॉलो हिम कि उसका फॉलो करने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार थे तब गांधी जी एक्सक्लेम्प एक्सक्लेम है बच्चों कि गांधी जी ऐसा क्यों चिल्लाया तब यानी कि गांधी जी चिल्लाया कि बेटल उपचंपारण है वो जीत लिया गया कहने का मतलब अब तक किसकी लड़ाई थी वकीलों की क्योंकि वकील दोनों तरफ से पैसे ले रहे थे भारतीय किसानों से पैसे ले लेते थे और कोर्ट में जा कर के यानी कि जो अंग्रेज थे उससे ज़्यादा पैसे लेकर के वह किसके पक्ष में यानी कि बोल जाते थे यानी अंग्रेजों के पक्ष में बोल जाते थे आज क्या है आज जो वहाँ के वकील है वो तैयार हो गए गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए कि हम भी यानी जेल चले जाएंगे अगर आप जेल में जाओगे इन किसानों के खातिर तो अब गांधी जी क्या कहता है कि अगर वकील मेरे साथ मिल गए तो मतलब चंपारण का जो युद्ध है वो जीत लिया गया है ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी कि कौन सी चीज थी जिसके कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर ने क्या किया ड्रॉप द केस यानी कि केस जो था अगेंस्ट गांधी जी उसको ड्रॉप कर दिया निरस्त कर दिया कौन सी चीज के कारण यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के खिलाफ जो केस था उसको यानी कि ड्रॉप कर दिया तो देखिए द लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज फोर्स्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर को फोर्स किया गया टू ड्रॉप द केस कि आप इस केस को ड्रॉप करें अगेंस्ट किसके खिलाफ जो गांधी जी का जो केस था उसको निरस्त करें बिकॉज क्योंकि द लॉयर्स हैड टोल्ड देट क्योंकि वकीलों ने कहा कि दे वुड फॉलो गांधी जी कि वो गांधी जी का फॉलो करेंगे जेल में सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रॉड टू द मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट को लिखा ऑर्डरिंग हिम और आदेश दिया टू ड्रॉप द केस यानी कि केस को निरस्त किया जाए कहने का मतलब क्या है वो जान गए कि यानी भारतीय जो वकील है वो भी अब किन के साथ हो गए हैं गांधी जी के साथ हो गए हैं इसलिए वो क्या करते हैं गांधी जी के ऊपर जो केस किया था उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वह केस को अब वो क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वाई डिड लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मन गांधी जी कि गांधी जी को क्यों बुलावा दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा और व्हाट केम आउट क्या निकला उसकी मीटिंग का तो कहने का मतलब क्या है ये इम्पोर्टेंट पर्सन है बच्चों और एग्जाम में पूछा भी गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को क्यों बुलाया और उस मीटिंग का क्या परिणाम निकला तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मंड गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलावा भेजा टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम यानी कि वह डिस्कस करे चर्चा करे किसके बारे में जो प्रॉब्लम है इंडिगो पेजेंट की उनके बारे में चर्चा करें और दे हेड फोर लॉन्ग टर्म यानी कि इंटरव्यूज और उन्होंने चार लंबे समय के लिए इंटरव्यू मानी संधि की एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज ऑर्गेनाइज और, और एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है एक कार्यालय यानी कि आयोग की इंक्वायरी की यानी कि संगठन किया गया ठीक है बच्चों एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उसका यानी कि संगठन किया गया उसका आउटकम यही निकला और उन्होंने क्या किया लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गांधी जी के साथ उस इंडिगो पेजेंट की यानी कि जो समस्या थी उनके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए अब अगला है कि who were the of the of कि जो ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी बैठी उसका गठन किया गया उसके मेंबर कौन थे ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों और व्हाट डिड इट फाइंड और उस ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी ने क्या पाया मतलब क्या है गांधी जी की और यानी कि कमिश्नर की क्या हुआ यानी कि उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग हुई उसने चार लॉन्ग टर्म की संधि की और किसका स्थापना हुई ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी की स्थापना हुई और उसके सदस्य कौन कौन थे और उसका यानी कि क्या फाइंड आउट हुआ क्या मिला उसमें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन कौन सदस्य थे सरकारी अधिकारी शामिल थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड शामिल थे एंड गांधी जी और गांधी जी हिमसेल्प और गांधी जी स्वयं एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव एकमात्र प्रतिनिधि ऑफ द पेजेंट किसानों का वो उसमें शामिल था वर द मेंबर्स ऑफ द ऑफिशियल ये मेंबर्स थे ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी का मतलब गवर्नमेंट अधिकारी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और गांधी जी ये तीन कौन थे यानी कि उस यानी कि ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी के क्या थे सदस्य थे और इसने क्या किया क्या फाइंड आउट किया इट असेंबल्ड और इस कमीशन ने असेंबल किया एकत्रित किया ए एक क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस एक भारी भरकम पर्वत के समान यानी कि सबूत है वो इकट्ठा किए अगेंस्ट किसके खिलाफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द लैंडलोड रिएक्ट जमींदारों ने कैसी प्रतिक्रिया दी टू दमीशन फाइंडिंग यानी जो कमीशन ने आयोग ने जो प्राप्त किया जो सबूत प्राप्त किया उसका उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी या हाउ मच ऑफ द पेजेंट मनी डिड एग्री टू रिफंड और किसानों के कितने रुपए यानी कि वो वापस लौटाने के लिए यानी कि तैयारी हो गए तो देखिए द कमीशन असेंबल्ड तो जो आयोग बैठा उसने क्या एकत्रित किया है एक क्रशिंग माउंटेन मतलब भारी भरकम पर्वत के समान एविडेंस एकत्रित किया किसके खिलाफ़ ब्रिटिश के खिलाफ यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ, खिलाफ और दे देर इसलिए वो एग्री हुए इस प्रिंसिपल पे इस सिद्धांत पे कि वो रिफंड करेंगे पेजेंट को विच दे हेड इलीगली जो कि उन्होंने इलीगली कलेक्ट किया था गैरकानूनी ढंग से लिया था फ्रॉम देम उनसे तो गांधी जी ने उससे पचास परसेंट डिमांड की कि जितना आपने एकत्रित किया है एंठा है इलीगली उसका पचास परसेंट दे दीजिए बट दे ऑफर ट्वेंटी फाइव परसेंट लेकिन उन्होंने पच्चीस परसेंट ऑफ़र किया और गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ठीक है अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ई डिड गांधी जी एग्री गांधी जी क्यों सहमत हो गए टू प्लांटर्स ऑफर जमींदारों का जो ऑफर था पच्चीस परसेंट लौटाने का उससे क्यों सहमत हो गए गांधी जी तो पचास परसेंट मांगे थे लेकिन उस अंग्रेजों ने पच्चीस परसेंट देने का ऑफर दिया तो उस बात से वो क्यों सहमत हो गए गांधी जी तो देखिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी गांधी जी के अनुसार द अमाउंट ऑफ रिफंड रिफंड की जो अमाउंट थी वो लेस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है कि वो कम इंपॉर्टेंट थी देन द फैक्ट देट तथ्य ये था कि द लैंड लोड्स हैड भी नोबलाइज कि हमने जमींदारों को बाध्य कर दिया टू सरेंडर लौटाने का पार्ट ऑफ मनी यानी एक पैसों का एक हिस्सा लौटाने को सरेंडर करने का यानी कि बाध्य कर दिया और इसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टिस यानी उसकी इज्जत का भी एक हिस्सा लौटाने को यानी कि हमने बाध्य कर दिया मतलब आज तक तो क्या है अंग्रेज जमींदार अपने आप को यानी कि सब कुछ मानते थे लेकिन गांधी जी क्या कहता है पैसा यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने उन अंग्रेज जमींदारों को बाध्य किया कि आप पैसों का एक हिस्सा हमें वापस सरेंडर करें और साथ ही अपनी इज्जत भी तो हमारे लिए यही ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट है ऐसा उसने यानी कि माना अगला भी इम्पोर्टेंट पर्सन है कि व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द इंडिगो सेटलमेंट जो इंडिगो सेटलमेंट हुआ इंडिगो का समझौता हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा तो द इंडिगो सेटलमेंट हैड फार रीचिंग इफेक्ट मतलब इंडिगो जो सेटलमेंट था वो दूरगामी प्रभाव पड़ा द पेज केम टू नो किसान जाने कि दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स की हमारे अधिकार भी है और रक्षक भी है द लैंड लोड्स स्टॉप्ड बिहेविंग और लैंड लोड्स ने यानी कि स्टॉप कर दिया बंद कर दिया बिहेविंग अबाउट द लोक कानून से ऊपर जो बिहेव करते थे अपने आप को गोड मान लेते थे तो ऐसा बिहेव करना बंद कर दिया दे अबेंडन अबेंडन मानी त्याग दिया और उन यानी कि जमींदारों ने अंग्रेज जमींदारों ने यानि कि अब त्याग दी देर स्टेट जो स्टेट यानी उनकी थी वो त्याग दी विच रिवर्टेड जो वापस मिल जाती है किसको किसानों को और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग क्या हुई उसकी एंडेड हुई कहने का मतलब क्या है जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग होती थी उसका एंड हो गया जो यानी जमीन वगैरह अंग्रेज उन किसानों से ले रखी थी वो वापस उसे मिल गई और सबसे बड़ी बात क्या है अब किसान है उन्होंने जाना कि उनके राइट भी है और डिफेंडर भी है अगला प्रश्न हाउ डिड गांधी जी कीप ए लॉन्ग डिस्टेंस गांधी जी कैसे लॉन्ग डिस्टेंस रखी लॉन्ग डिस्टेंस वॉच यानी लंबी दूरी से निगरानी करता था किस पे अपनी आश्रम पे फ्रॉम चंपारण यानी चंपारण से तो कहने का मतलब ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण जब वह चंपारण में लंबे समय तक यानी ठहरा रहा गांधी जी तो गांधी जी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि वह लंबे दूरी से यानी कि निगरानी रखता था यानी कि किस पे अपने आश्रम पे ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन वह रेगुलर यानी कि इंस्ट्रक्शन भेजा करता था मेल डाक के द्वारा और आज कर उसे पूछा करता था फाइनेंशियल अकाउंट उसके फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में भी पूछा करता था अब अगला प्रश्न है कि वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर आप यानी क्यों सोचते हो कि गांधी जी ने यानी कि ये मानते थे कि चंपारण एपिसोड है वो टू बी ए टर्निंग पॉइंट चंपारण एपिसोड क्या था एक निर्णायक यानी कि मोड था उसके लाइफ का ऐसा यानी कि क्यों मानते हो तो चंपारण एपिसोड डिडेंट बिगिन कि चंपारण एपिसोड है वो शुरू नहीं हुआ एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस डिफाइंस मानी अवज्ञा कि अवज्ञा के करते से चंपारण एक्ट है एक वो शुरू नहीं हुआ इट ग्री आउट चंपारण जो एक्ट है वो कैसे विकसित हुआ टू रिड्यूस द प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम को कम करना लार्ज नंबर ऑफ पेजेंट यानी कि बहुत सारे किसानों की समस्या थी उसकी समस्या को कम करने के लिए एक चंपारण आंदोलन है वो यानी विकसित हुआ गांधी जी ने एडमिट किया कि ही हैड डन ए वेरी ऑर्डनरी थिंग गांधी जी ने यह स्वीकारा कि उसने बहुत ही साधारण सी चीज की है ब्रिटिश स्टूडेंट ऑर्डर हिम कि ब्रिटिश उसे आदेश नहीं दे सकते अबाउट इन इज कंट्री उसी के देश में इस प्रकार से गांधी जी कंसिडर्ड देट गांधी जी ने माना कि चंपारण एपिसोड है वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट ही बन गया ठीक है अच्छा प्रश्न है ये भी अगला है वाई डिड गांधी जी अपोज गांधी जी ने क्यों विरोध किया वेन इज फ्रेंड एंड्र्यू जब उसके मित्र एंड्र्यू ने ऑफर किया टू स्टे इन चंपारण यानी चंपारण में रुकने का एंड हेल्प द पेजेंट कहने का मतलब जब क्या है उसका फ्रेंड एंड्र्यू था वो उसको ऑफर करता है कि मैं चंपारण में रुक जाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा तो गांधी जी ने मना क्यों कर दिया उसका विरोध क्यों किया क्योंकि गांधी जी अपोज गांधी जी ने विरोध किया वहन जब उसका फ्रेंड एंड्रू है वो उसको ऑफर किया कि मैं चंपारण में ठहर जाऊँ और हेल्प करूँ पेजेंट की क्योंकि ही वॉन्टेड पीपुल वह चाहते थे गांधी जी कि पीपुल ऑफ चंपारण है टू बी सेल्फ रिलायंट कि वो सेल्फ रिलायंट हो आत्मनिर्भर बने ही वॉन्टेड देम वह चाहते थे उनसे कि नॉट डिपेंडेंट वह डिपेंड ना हो ऑन अदर्स दूसरों पे टू विन द बैटल यानी कि युद्ध जीतने के लिए कहने का मतलब क्या है एक तो वह इंग्लिश मैन था दूसरा वह गांधी जी उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे वह नहीं चाहते थे कि यानी कि कोई अंग्रेज उनकी हेल्प करे वह चाहते थे कि यानी कि अपने दम पे यानी कि जो चंपारण के लोग हैं वो यानी कि आज़ाद हो अब अगला क्या है वट वॉज द इंडिगो प्रॉब्लम इंडिगो प्रॉब्लम क्या थी बड़ा पर्सन है बच्चों इंपॉर्टेंट पर्सन है कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड है चंपारण की वो डिवाइड थी बंटी हुई थी बड़ी बड़ी स्टेट में मालिक बिट्टी जमींदार थे काम इंडियन टेनेंट करते थे मुख्य जो यानी व्यापारिक फसल इंडिगो थी जमींदारों ने उसे कंपेल किया कि पंद्रह परसेंट जगह पे आप इंडिगो फसल लगाए और सारी की सारी फसल है वो किसको सौंप दे यानी कि उसे अंग्रेज़ ज़मींदारों को सौंप दे रेंट के रूप में ये एक लंबे टर्म का लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट था और पेजेंट्स वर नो हैप्पी नॉट हैप्पी पेजेंट्स खुश नहीं थे इस एग्रीमेंट से ज़मींदारों ने यह भी जाना कि जर्मनी ने अब क्या विकसित कर लिया सिंथेटिक इंडिगो विकसित कर ली इस कारण से प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो है वो गिर गए हार्वेस्टिंग इंडिगो है प्रॉफिटेबल नहीं रही इस कारण से वो डिमांड करते थे कि पे देम कंपनसेशन कि वह यानी कि उन्हें कंपनसेशन दे फोर किसके लिए कि रिलीजिंग दें कि हम यानी कि रिलीज़ कर देंगे पंद्रह परसेंट एग्रीमेंट से कहने का मतलब अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि अब हम आपको पंद्रह परसेंट जो एग्रीमेंट था यानी इंडिगो का उससे रिलीज़ कर देंगे और आप हमें क्या कर दीजिए यानी हर जाना दीजिए तो पेजेंट्स क्या चाहते थे अपना पैसा वापस आते थे जमींदारों ने मना कर दिया पे बैग वापस लौटाने के लिए इसलिए क्या है ये एक इंडिगो की प्रॉब्लम थी तो इम्पोर्टेंट पर्सन है बच्चों आप इससे रिलेटेड छोटे पर्सन भी पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से आप ये कर लोगे ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सात नंबर का पर्सन है कि व्हाट डिड गांधी जी डू गांधी जी ने क्या किया फॉर सोशल अपलिपमेंट सामाजिक उत्थान के लिए ऑफ द पुअर फैमिलीज ऑफ पेजेंट यानी किसानों के यानी जो गरीब परिवार थे उनके सामाजिक उत्थान के लिए गांधी जी ने क्या किया तो देखिए वेन गांधी जी सा जब गांधी जी ने देखा कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा चंपारण के अंदर तो गांधी जी ने निश्चय किया कि वो रिमूव दिस यानी कि वह इसको यानी कि क्या करे यानी कि हटाए इस गाँव से और ये जो समस्या है इनको यानी कि हटाए और इसके लिए वो क्या करता है फॉर इट्स सोल्यूशन उसके समाधान के लिए ए कॉल्ड द टीचर उसने टीचर्स को बुलाया फॉर द एजुकेशन एजुकेशन के लिए ऑफ द विलेजर्स उन गांव की यानी कि विलेजर की यानी शिक्षा के लिए दो युवा जो लोग हैं उसमें नरहरी पारी कौर महादेव देसाई है वो भी तैयार थे वर्क करने के लिए बहुत सारे टीचर्स भी आए बॉम्बे से पुणे से और अदर पार्ट ऑफ़ इंडिया से तो गांधी जी की वाइफ सन ये भी आए आश्रम से और उन्होंने मदद की तो गांधी जी ने वहाँ ओपन की प्राइमरी स्कूल खोली छः गाँव में डॉक्टर्स भी वहाँ पे आए इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन सुधारने के लिए एंड केयर ऑफ द पीपल लोगों की केयर करने के लिए तो छः मंथ तक डॉक्टर ने वहाँ यानी सेवाएँ दी चंपारण में कस्तूरबा ने यानी कि बातें की बाते क्लीननेस के बारे में वुमेन और गांधी जी और जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया गांधी जी ने वहाँ के लोगों को सेल्फ रिलायंस का यानी कि लेसन पढ़ाया तो कहने का मतलब क्या है वहाँ पे कल्चरल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने छः गांव में यानी कि स्कूल्स खोली बहुत सारे टीचर्स वहाँ पढ़ाने के लिए आए गांधी जी की वाइफ आई उसका बेटा आया और वहाँ उन्होंने गांधी जी ने क्या किया एक डॉक्टर की भी व्यवस्था की और डॉक्टर ने क्या किया डॉक्टर ने वहाँ पर अच्छी तरह से यानी कि छः महीने तक यानी कि लोगों की सेवाई की तीन तरह की वहाँ दवाई भी अवेलेबल थी वो भी आप लिख देना जो कि चैप्टर के अंदर दे रखी है वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करना और चैप्टर को आप अच्छे से लर्न कर लेना एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू